हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। और जो मेरी आज की स्टोरी है वो एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे ही कदम रखा एकदम से बॉलीवुड इंडस्ट्री का नज़रिया ही चेंज हो, और साथ में ही इस एक्ट्रेस के साथ ऐसा कुछ भयानक हुआ जिसकी वजह से उसका करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कि ये कहानी क्या है। जैसे ही उस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा तो उथल पुथल मच गई, भूचाल आ गया, ऐसा लगा कि रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति। क्योंकि उस वक्त 6 मीटर में लिपटी हुई जो एक्ट्रेस थी, जो इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, और वो अब कन्वर्ट हो गए वेस्टर्न में। तो और इसके अलावा जो बहुत सारे जो डायलॉग हुआ करते थे, सेम घिसे पिटे डायलॉग्स कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, या फिर बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों से और वो एक्ट्रेस घर के अंदर अकेली है। और तभी क्या होता है कि ज़ोर की दरवाजे में आवाज़ आती है और डोर खुल जाता है, और अब होती है विलेन की एंट्री। और विलेन जैसे ही एक्ट्रेस उस विलेन को देखती है तो वो घरों में आगे पीछे भागती है और साथ में कहती है, प्लीज़ प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। और वो विलेन बोलता है, इतनी सुंदर चीज़ कैसे छोड़ दूँ। ये सब डायलॉग धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। और अब उसके बाद काफ़ी ग्लैमर भी आने लग गया मूवी के अंदर, और वुमन ओरिएंटेड मूवी भी बननी शुरू हो गई। और ये जिसकी वजह से हुआ वो एक्ट्रेस थी हमारी जिनी बेबी, यानी कि जीना तमान। जीना तमान क्योंकि इंडस्ट्री में आने से पहले ही काफ़ी पॉपुलर थी, उसको लोग जानते थे क्योंकि वो 19 जब उनकी एज थी तो उन्होंने काफ़ी मॉडलिंग वगैरह शुरू कर दी थी। और फिर उन्होंने 1970 में ही मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और उसमें वो सेकंड रनर अप हुई। और फिर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उसका क्राउन भी जीता। फिर उनकी फर्स्ट मूवी ओपीरलन की उन्होंने हलचल नाम से थी, उसमें काम किया। और फिर हरे रामा हरे कृष्णा, उनको बहुत ज़्यादा मूवीज़ मिलनी शुरू हो गई। और फिर एक दिन की बात है, ये 1977 की बात है, उस वक्त वो राज कपूर जी के साथ एक मूवी में काम कर रही थी और वो मूवी का नाम है वकील बाबू। और उस मूवी में जो राज कपूर जी हैं वो एक मूवी बनाना चाहते थे सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसके लिए वो जो राइटर थे उनके सत्यम शिवम सुंदरम के, वो वकील बाबू के सेट में भी आते थे। और जैसे ही ब्रेक मिलता था तो राज कपूर जी उनके साथ डिस्कशन करते थे। और साथ में ही वो जो सत्यम शिवम मूवी थी उसमें जो लीड एक्ट्रेस थी उसका नाम उन्होंने रूपा सोचा हुआ था। तो एक दिन वो लोग शूट कर रहे थे जीना तो और राज कपूर जी, और जब जैसे ही शूट ख़त्म होता है तो राज कपूर जी भागते हुए जाते हैं राइटर के पास जाकर के। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है, कहाँ तक स्टोरी पहुँची। और साथ में ही वो ये भी बोल रहे थे, अच्छा ये बताओ कि रूपा का कुछ कैरेक्टर कैसे होगा, वो कैसे बात करेगी और कैसे चलेगी, और मतलब वो रूपा रूपा ही करते जा रहे थे। और साथ में ही उस मूवी में जो एक्ट्रेस थी उसका यहाँ पे पूरा मार्क था जैसे कि जल गया, जला हुआ मार्क। तो ये सब कुछ होने के बाद चल रही है और चुपचाप से जीनत खड़ी हुई सारी बातें सुन रही है दोनों की। और फिर जब ये शूट पूरा ख़त्म होता है, पैकअप हो जाता है, तो वो चले जाते हैं अपने घर। और अगले दिन जीनत क्या करती है कि अपने राइट चीक में पूरा टिश्यू पेपर लगाती है और उसको ऐसे दिखाती है जैसे वो एरिया उसका जल गया है। और साथ में ही वो घाघरा चोली पहनती है और उसके साथ वो वैसे ही दुपट्टा सर पे लेके अपना यहाँ पे उसको दांतों से पसा करके, और वैसे ही चलती हुई जाती है राज कपूर जी के घर। और फिर वो गेट पे जाके रुक जाती है और गार्ड से बोलती है कि राज कपूर जी को बोलिए कि उनकी रूपा आई है उनसे मिलने।
फिर उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई रूपा उनसे मिलने आई हुई हैं। तो राज कपूर जी बड़े हैरान हो जाते हैं कि रूपा कौन है। वो जल्दी जल्दी से आते हैं गेट में और देखते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं उससे कि कौन हो तुम। तो जीनत बोलती है आपकी रूपा। और जैसे ही ध्यान से देखते हैं तो राज कपूर जी एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि जीनत का वो रूप देख करके उनको उसमें अपनी रूपा नज़र आई। उन्होंने जल्दी से अपनी वाइफ कृष्णा को बुलाया और साथ में ये भी कहा कि गोल्ड का कॉइन लेके आने के लिए। और जब कृष्णा जो उनकी वाइफ आती हैं राज कपूर जी की, और फिर वो कॉइन लेकर के, और वो कॉइन रूपा यानी कि जीनत को देते हैं और वो कहते हैं कि तुम ही मेरी रूपा हो और तुम ही सत्यम शिवम सुंदरम में काम करोगी। तो इस तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम का काम रूपा को मिल गया। फिर 1979 में जीनत को एक मूवी मिलती है अब्दुल्ला, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे संजय खान, और इसकी जो शूटिंग चल रही थी वो जैसलमेर में चल रही थी। और जब जीनत और संजय एक दूसरे को मिलते हैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लग जाते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है और इसके साथ ही वो लोग शादी भी कर लेते हैं उसी टाइम। और लेकिन उनकी मैरिज बहुत ज़्यादा नहीं टिकी, सिर्फ एक साल तक टिकी। और उसके बाद जब ये मूवी ख़त्म हो गई बन करके, तो जीनत दूसरी मूवी के लिए लोनावाला चली जाती हैं। वहाँ पे इंसाफ का तराजू को शूट हो रहा था, जिसमें बीआर चोपड़ा उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और एक दिन की बात है कि शूटिंग के टाइम पे ही एक ट्रंक कॉल आता है। ट्रंक कॉल वो संजय खान का था। जीनत उसको जब बात कर रही होती है तो संजय कहते हैं कि तुमको 4 दिन के लिए आना पड़ेगा वापस, क्योंकि एक जो सॉन्ग है उसको रीशूट करना है। तो जीनत कहती है कि वो कर लेगी, लेकिन वो अभी नहीं कर सकती क्योंकि अभी उसका अपना कमिटमेंट है, इंसाफ का तराजू में वो काम कर रही थी और बीच में वो छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। तो काफ़ी बोलने के बाद संजय खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उनको गलत गलत बोलते हैं और उसको आने के लिए बोलते हैं, लेकिन जीनत फिर भी मना करती है। तो वो उसको गालियाँ देते हैं और उसके बाद फ़ोन पटक देते हैं। लेकिन जीनत बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो उसने क्या करा कि जैसे ही शूट ख़त्म होता है वो बीआर चोपड़ा से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो संजय से मिलने जाना चाहती हैं और उसके बाद वो जल्दी वापस आ जाएंगी और अगले दिन शूट शुरू कर देंगी। तो वो बीआर चोपड़ा जी उसको हाँ कह देते हैं और वो अपनी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसके साथ चली जाती है मुंबई की तरफ। लेकिन उसको जाना नहीं चाहिए था, वो उसके लिए बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। उसने बहुत, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। अब जीनत अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ सबसे पहले वो संजय खान के घर में जाती हैं और घर में जा कर देखती हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। और पता चलता है कि अब्दुल्ला की जो मूवी है उसका कुछ पार्टी चल रही है ताज होटल में। तो वो अपनी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के साथ ताज होटल जाती है और फिर जाकर के वो संजय खान वहाँ पे थे, उनकी वाइफ थी और काफ़ी सारे लोग थे, मैगजीन से भी लोग आए हुए थे, काफ़ी मीडिया से लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और जीनत वहाँ पे कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जबकि संजय खान ने उनको बहुत ही गंदा बोला था। तो वो संजय खान को लेकर के एक चेंबर में जाती हैं और वहाँ पर वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि थोड़े टाइम की बात है, वेट कर लो, रीशूट हो जाएगा। लेकिन संजय खान तो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे और थोड़े ही देर के बाद बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है उस चेंबर से। जो उसकी आर्टिस्ट थी, मेकअप आर्टिस्ट, वो भाग के जाती है, जाके देखती है कि संजय खान बहुत बुरी तरीके से जीनत को मार रहे हैं, वो पटक रहे हैं उसको, बाल को, जब वो नीचे गिर जाती है जीनत तो उसके बाल को पकड़ते हैं और फिर दोबारा से उसको मारते हैं। उसकी आंखों में उन्होंने पंच किया हुआ जिसमें से ब्लड भी निकल रहा है। और इतना जब जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो बाहर जाती है, चिल्लाती है कि प्लीज़ बचा लो उसको, मार रहे हैं संजय, तो कोई भी नहीं आता वहाँ पे उसको बचाने के लिए। जब वो देखती है आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट की कोई भी नहीं आ रहा, तो वो भागती हुई बाहर जाती है और जाकर के वो जो वहाँ पे काम ताज के जो स्टाफ थे उनको रिक्वेस्ट करती है, बताती है कि ऐसा हो रहा है। तो जो स्टाफ लोग थे भाग कर जाते हैं और फिर ये भी, यहाँ तक कि मैगजीन वाले ये भी देख रहे थे कि जो उनकी वाइफ थी वहाँ पे खड़े होकर के बहुत खुश थी, चीयर कर रही थी कि मारो मारो।
और बहुत बुरा हाल था जीनत का, उसका सब कुछ, उसका यहाँ से जॉ टूटा हुआ था पूरा। और किसी तरीके से वो लोग बचा लेते हैं जो स्टाफ वाले होते हैं ताज के, उनके पास। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं और उनका जॉ था वो टूट चुका है। और जो डॉक्टर थे, पुराने डॉक्टर थे जिन्होंने पहले भी ट्रीटमेंट किया था, तो उन्होंने ये भी बताया था कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था संजय ने उनको इतनी बुरी तरीके से मारा। उससे पहले भी संजय ने बहुत बुरी तरीके से जीनत को मारा था, और जिसकी वजह से इतनी ज़ोर की हिट किया था कि उनका जो रिब था वो टूट चुका था। और जब जीनत को बोला गया कि वो FIR कराएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो बोल रही थी कि वो अभी भी उनको प्यार करती हैं। ऐसा भी प्यार किस बात का, मेरे ख्याल से तो ये सब होना नहीं चाहिए था। और फिर कुछ नहीं होता उसके बाद, लेकिन ये सब होने के बाद जीनत की जो आंखें थी बिल्कुल ख़राब, जो इतनी सुंदर आंखें थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और फिर कुछ नहीं हुआ, बस ना FIR हुआ ना फिर उसके बाद उनका जो करियर था, फिल्मी करियर धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। तो इसके साथ ही मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और ये भी बोलती हूँ कि लोगों को जो बहुत गुस्से वाले हैं, इतना गुस्सा ना करें। जब भी कुछ होता है तो थोड़ा सोच समझ करके करें और किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं। और फिर मैं आती हूँ दूसरी स्टोरी के साथ। और साथ जाने से पहले मैं प्लीज़ आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।